अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज कई दिन के बाद व्लॉग अपलोड करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए शाम को हो रहा है 5:20 और अभी तक तंजिया आई नहीं है, बस अब उसका वेट कर रहे हैं। आज सुबह 9 बजे ही चली गई थी तो हमने कहा चलें देखें बाहर क्या हालचाल है, बाहर मौसम कैसा है। तो शाम का टाइम है, थोड़ा सा मौसम अच्छा हो गया और सबसे बड़ी चीज़ अल्लाह का शुक्र है, देखिए हमारे प्लांट्स जो हैं कितने अच्छे हो गए हैं। और इसका हाल तो आपने देखा रहा होगा, इसमें एक भी लीफ नहीं बची थी, सारी लीव्स इसकी ख़त्म हो चुकी थी गर्मी से। और देखिए माशाल्लाह अब कितना अच्छा हो गया, ब्रोकन हार्ट इसकी लीफ की वजह से, इसका नाम यही है। और भी कुछ होगा अगर आप जानते हैं तो ज़रूर बताइए। बाकी एलोवेरा देखिए ये भी कितना अच्छा, कितना फ्रेश हो गया है। ये भी बहुत ख़राब हो गया था, सारी लीव्स इसकी ब्राउन हो गई थी लेकिन कटिंग कर देने के बाद ये भी अच्छा हो गया। तो बहुत दिनों से आपको अपने प्लांट्स नहीं दिखाए थे तो आज देख लीजिए, देखिए कितना रिफ्रेशिंग हो जाता है थोड़ी देर प्लांट्स के पास जब खड़े रहो। और सुबह और शाम तो यहाँ पर खड़ा होना बहुत अच्छा लगता है, कुछ देर तक रहता है खड़े होकर, बस इन्हें देखते रहो। हाँ फोटो खींच रही है, नहीं यार थोड़े थोड़े आ रहे हैं, अब आ रहे हैं थोड़े थोड़े। असल में धूप नहीं है ना भाभी, पूरी धूप नहीं लगती है, इतना गर्म हो रहा है, धूप भी पूरी नहीं होती अच्छे से। आप फ्री है हो गई, आप ऊपर जा रही हैं? हाँ बहुत मोटा सा है। तो ऊपर भाभी खड़ी हुई थी, उनसे हम बातें कर रहे थे, अभी आपने भी नोटिस किया होगा ना कितना मोटा सा एक चूहा भाग करके गया है। तो यहाँ पर ये देखिए ये कुछ कटिंग लगा दी है, ये देखिए हमारा स्पाइडर प्लांट ये भी बहुत अच्छा हो गया है, और सॉन्ग ऑफ इंडिया इसको भी कटिंग कर दी है ऊपर से, इसका भी अब एक अच्छा सा शेप आ जाएगा। तो सारे पौधे अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे हैं। ये जामुन का आलिया ने लगा दिया था और ये जामुन भी निकल आई है, और ये वाला तो हमें इतना अच्छा लग रहा है, पहले ये छोटे से पॉट में लगा हुआ था पर अब माली भैया ने इसको बड़े पॉट में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो देखिए इसका लुक कितना अच्छा हो गया है, कितना घना हो गया। यहाँ पे देखिए इन्होंने कुछ कटिंग माली भैया ने लगा के रखी है और यहाँ पे इन्होंने फ्रेश जो है मनी प्लांट लगा दिया है, कि पहला वाला ख़राब हो गया था लेकिन अल्लाह का शुक्र है पहला वाला भी ठीक हो ही गया है। और यहाँ पे बगल में हमारे जो नेबर आए हैं ना, उन्होंने एक तुलसी का प्लांट यहाँ पर रखा है, हमारे पास तुलसी नहीं है तो उन्होंने रख लिया है। और ये देखिए इधर हम आते हैं ना तो यहाँ भी ज़रूर देखते हैं, हमारे आगे जो रहते हैं ना हमारे नेबर, उनके यहाँ देखिए कोई नहीं रहता है, लेकिन ये देखिए एक झाड़ यहाँ पे एक बेल आपको नज़र आ रही होगी, तो इसको हम रोज़ जाकर चेक करते हैं कि आखिर ये है किस चीज़ की, इसमें कौन सा फल आएगा कौन सा फ्रूट आएगा। तो कुछ इसमें थोड़े से फ्लावर नज़र आ रहे हैं, अब देखते हैं इसमें क्या लगता है, या जंगली हो। और शाम को देखिए मौसम अच्छा है, अब घूम टहल के अंदर आ गए हैं, लेकिन बाहर तो कुछ अच्छा लग रहा था, अंदर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, बहुत गर्मी है। और तंजिया का वेट कर ही रहे हैं, अभी तक आई नहीं है। आलिया की 4 बजे से ऑनलाइन क्लास चल रही थी, वो अपनी क्लास कर रही थी और बस अब ये तंजिया आ गई हैं, आज सुबह की गई हुई थी, कितना आज ये थक गई होगी। 3:20 पे उसकी वैसे क्लास ओवर हो गई थी, उसके बाद प्रैक्टिकल चल रहा था, प्रैक्टिकल कर रही थी, फिर उसके बाद आई है। चलिए अब उसके लिए यहाँ पे कुछ बना देते हैं। तो हम आ गए थे किचन में, चाय रख दे रहे हैं और साथ में कुछ बना लेते हैं, आपको भी रेसिपी दे देते हैं। थोड़ा सा ऑयल गरम किया है, उसमें ज़ीरा डाला है, साथ में सरसों डाले हैं और ये अपना फ्रेश करी लीव्स लेकर के आए थे, इतनी अच्छी उसकी खुशबू होती है, उसे ऐड कर दिया है। आप लोग भी अपने यहाँ एक पॉट में करी लीव ज़रूर लगा ले, वो करी का प्लांट ज़रूर लगा लीजिएगा, सॉरी करी लीव कह रहे थे। उसके बाद क्रैकल हो जाने दीजिए, इसमें प्याज डाल दीजिए, इंस्टेंट फटाफट बन जाता है। आज आलिया कह रही थी ब्रेड वाला पोहा बना दीजिए, आज वो सुबह से ही कह रही थी लेकिन उसको लंच बॉक्स में तो नहीं बना के दिया था, हमने कहा चलो उसकी डिमांड पूरी कर देते हैं, इस वक्त बना लेते हैं, तंजिया भी खा लेगी। उसके बाद इसमें एक छोटा सा टमाटर डाल दिया है कट करके, नमक डाल दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग, और थोड़ी देर इसे कवर कर देंगे, थोड़े से मसाले जाएंगे, मसाले क्या जाएंगे, हरी मिर्च इसमें हमने ऐड कर ही दी है, साथ में हल्दी पाउडर डाल देंगे ताकि अच्छा सा कलर आ जाए।
इसे अच्छे से मिला देंगे, मिला करके इसे कवर कर देंगे। तो ये जो है ब्रेड से अब हम बनाने जा रहे हैं आज पोहा। वैसे हमने पहले कभी नहीं बनाया था, आलिया ने देखा था स्कूल में कोई बच्ची जो है वो लंच बॉक्स में लाई थी, तो उसको बहुत अच्छा लगा, उसने बताया, तो हमने कहा चलो हम बना देते हैं। तो यहाँ पे ब्रेड जो थी ना, ये सारी हमारी लेफ़्ट ओवर ब्रेड थी, तो ज़्यादातर ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए रख देते हैं, तो आज हमने कहा इसी से बना देते। वैसे आप फ्रेश ब्रेड के साथ ही बना लिया करिए इसे, इस तरह से हमने तोड़ दिया है। आप चाहिए तो छोटे छोटे पीस में कट भी कर सकते हैं, छोटे छोटे पीसेस बना लीजिए। अभी थोड़ा सा ब्रेड जो है इसमें डाल देंगे, पहले नींबू इसमें स्क्वीज़ कर देंगे और इसके बाद पहले इसको मिलाएंगे। अभी थोड़ा सा हमने रोक दिया है क्योंकि पैन जो है वो भर गया है। अच्छा, यहाँ पे मूंगफली जो थी भुनी हुई मेरे पास थी, अगर आपके पास भुनी हुई नहीं है तो पहले उसे भून लीजिएगा, फिर उसे ऐड करिएगा, और अगर आपको नहीं अच्छी लगती तो स्किप कर दीजिएगा, वैसे अच्छी लगती है इसमें डाल देंगे तो। साथ में हरा धनिया डाल देंगे, अभी सारा मिला लेंगे, उसके बाद फिर बचा हुआ जो है उसे भी इसमें हम ऐड कर देंगे। सब मिलाने के बाद इसे थोड़ी देर कवर कर देंगे, कवर करने के बाद इसे खोलेंगे, और खोलने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी जो है डाल देंगे ताकि सब चीज़ें अच्छे से मिल जाएं, अच्छे से एक हो जाएं, मसाला भी उसमें अच्छे से मिल जाए। तो ये हमारा इंस्टेंट ब्रेड का पोहा ज़बरदस्त रेडी हो जाएगा। आप इसे बनाइए, बच्चों के लंच बॉक्स में दीजिए, शाम को छोटी मोटी भूख में आप इसे बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है। हमने फर्स्ट टाइम बनाया लेकिन हमको तो भाई बहुत अच्छा लगा, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेसिपी जो थी बिल्कुल परफेक्ट बनी थी। आलिया का कहना था बिल्कुल वैसी बनी है और उससे अच्छी ही बनी है। और ये देखिए नेक्स्ट डे कितनी तेज़ धूप निकली हुई है, और अब लंच की हो रही है तैयारी। सुबह हमने आपको कुछ भी शूट नहीं किया था, क्या शूट करते, वही सुबह का रोज़ का स्केड्यूल जो रहता है, सुबह उठना, ब्रेकफास्ट बनाना। ब्रेकफास्ट में कुछ ऐसा बनाया नहीं था इसलिए हमने शूट नहीं किया। अच्छा, रेसिपी आपको दिखा देते हैं, बता देते हैं। यहाँ पे ऑयल लिया है, ऑयल में हमने डाला है थोड़ा सा ये सूखा लाल मिर्च जो है वो डाला है, ज़ीरा डाला है, इसके साथ प्याज जो है वो चॉप करके डाल दी है, बड़ी सी प्याज डाली थी चॉप करके, फाइन चॉप करना है आपको। साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अच्छी रेसिपी बनी थी और ये हम अक्सर बनाते हैं, आज बना रहे हैं चने की दाल, साथ में इसमें हम ऐड करेंगे नेनुआ। तो ये नेनुआ जो है आप लोग इसे क्या बोलते हैं हमें नहीं पता, तुरई भी इसको बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो तुरई होती है ना, हम लोग जो मोटा जिसका छिलका होता है उसे तुरई बोलते हैं, और जो सॉफ्ट होता है लंबा लंबा वो नेनुआ कहलाता है। तो यहाँ पे फिर हमने इसमें टमाटर ऐड किया है चॉप करके, नमक डाल दिया है ताकि प्याज और टमाटर अच्छे से टेंडर हो जाए। और ये जो दाल हम बना रहे हैं ना, अब्बू हमारे अक्सर बनवाया करते थे, उनको बहुत पसंद थी। चने की दाल में लौकी है, गोश्त है, नेनुआ है, इस तरह से डाल के बनाते थे। अब देखिए रेगुलर मसाले इसमें जाएंगे, वही धनिया पाउडर डाल दीजिए, हल्दी पाउडर डाल दीजिए, साथ में लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए, बस इसके अलावा और कुछ नहीं जाएगा। अच्छे से इसको भून दीजिए। दाल हमने बॉईल करके रख ली है, चने की दाल पहले से भिगा दी थी आधे घंटे के लिए, फिर उसमें हमने हल्दी, नमक, थोड़ा सा देसी घी और एक सिनेमन स्टिक, दालचीनी, तेज़पत्ता, इतनी चीज़ें डाल करके उसे टेंडर कर लिया है, पानी डाल के बॉईल करके रख लिया है। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। अब देखिए मसाला भुन गया ना, उसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा बेसन। अब बेसन को मसाले के साथ भून देंगे तो इससे जो दाल का टेक्सचर होगा ना वो बहुत अच्छा आएगा। अब इसको हमने भुनाई कर देने के बाद, अब इसमें ये देखिए इस तरह से थोड़े से मोटे पीस में कट करके हमने नेनुआ जो था वो रख लिया था उसे डाल देंगे और इसको फिर अच्छे से मिला देंगे। नेनुए में अपना पानी होता है, ये पानी रिलीज करेगा, तो हल्का सा पानी डाल के इसे कवर कर देंगे ताकि ये टेंडर हो जाए। दाल देखिए हमारी पक गई है, बिल्कुल अच्छे से टेंडर हो गई है। इधर नेनुआ देखिए ये पक रहा है, पानी इसने रिलीज़ कर दिया, और थोड़ा सा पानी हमने इसमें डाला था क्योंकि इसमें बेसन है ना, तो थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा। नेनुआ टेंडर हो गया है, बिल्कुल घुलना नहीं चाहिए, मोटे पीस होने चाहिए, बस सॉफ्ट हो जाना चाहिए। अब बारी है इसमें दाल जो हमने पका करके रखी थी उसे डाल दिया है। तो इस तरह से दाल जब आप बनाएंगे ना थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। देखिए चने की दाल हम अक्सर बनाते ही हैं, पर इस तरह से कभी इसमें लौकी डाला, कभी नेनुआ डाला, कभी अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो गोश्त ऐड कर दीजिए,
तो टेस्ट जो है डिफरेंट हो जाता है। दाल डालने के बाद इसमें नमक मिर्च चेक कर लीजिएगा, गरम मसाला डाल दीजिएगा और इसे दम पे पकने के लिए रख दीजिएगा 10 मिनट के लिए। बस अब बघार बना लेते हैं। बघार में बस घी से हम बघार बनाएंगे। प्याज डाल दिया, हरी मिर्च डाल दी है, दाल हमारी रेडी हो गई है। इसके साथ हमने आलू की ये टिक्की बना ली थी। सब्जी समझ में नहीं आ रही थी कि क्या बनाए, तो आलू की बेसन वाली टिक्की बनाई थी। इसमें बाइंडिंग में हमने बेसन ऐड किया था, बहुत अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। तो आज ये हमारा सिंपल सा लंच रेडी हो गया था। सिंपल तो नहीं था, बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ था। और सच बताएं, इसके आगे, इस लंच के आगे तो गोश्त चिकन भी फेल था। तो कभी कभी इस तरह से खाने में जब आप ट्विस्ट कर देते हैं तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। और आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो जो है पसंद आ रहा होगा, हमारा व्लॉग पसंद आ रहा होगा। तो भाई, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करिए। हमारा लंच हो गया, फिर इसके बाद शाम को हम लोग बाहर थोड़ा सा निकले हुए थे, कुछ काम था। तो आलिया पापा से कई दिन से कह रही थी स्वीट्स के लिए, यानी मिठाई खानी थी, तो पहले तो निराला के पास पहुंच गए थे, आज बच्चे भी साथ में गए थे। तो वहाँ से हस्बैंड ने आलिया को जो भी उनको पसंद थी, उन्होंने कहा तुम्हें जो लेना है ले लो। तो यहाँ पे आलिया ने स्वीट्स लिया। भाई, शहर का तो बहुत बुरा हाल है, इतना जैम हो रहा है, इतना ज़्यादा रश रहता है, चारों तरफ खुदाई हो ही गई है, तो क्या बताएं आपको। शहर का अगर आप यहाँ से बिलोंग करते हैं ना तो आपको पता ही होगा। खैर, देखिए शायद कुंभ से पहले सब कुछ ठीक हो जाए, अल्लाह चाहे। तो वहाँ से हम लोग, तो खैर बच्चे जो हैं लौट आए थे, लेकिन हम लोग वहाँ से चौक चले गए थे। वहाँ से हमें कुछ चीज़ें लेनी थी। चीज़ें क्या लेनी थी, तंजिया टीचर्स डे की प्रिपरेशन तंजिया के कॉलेज में हो रही है, तो उन्हें टीचर्स को अपने गिफ्ट देना है। ये लोग बच्चे लोग, उन्हें क्या देना है, सारे बच्चे जो हैं कंबाइन जो है मिल करके एक छोटा सा प्रोग्राम कर रहे हैं टीचर्स के लिए अपने, तो गिफ्ट लेना था। तो हम और हस्बैंड वहाँ चले गए थे, बच्चे जो हैं वो घर लौट गए थे, और हम लोगों ने जा कर के वहाँ से गिफ्ट लिया। और आप देख रहे होंगे रास्ते में, रास्ते का हाल आपको दिखा रहे हैं कि क्या हाल है। देखिए, गिफ्ट क्या लिया है वो आपको तो हम नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो पर्सनल होता है तो वो अच्छा नहीं लगता, वो बच्चों का अपना सीक्रेट है वो क्या है क्या नहीं है। तो ये गिफ्ट हम लेकर के आ गए हैं। तो ये आज का हमारा छोटा सा व्लॉग था, दो रेसिपीज थी, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे नए कंटेंट के साथ, नई रेसिपीज के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।